दोस्तों, मैं अनुर टेक्नोलॉजी की तरफ से सभी दोस्तों को नमस्कार करता हूं। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि चेंज ओवर कहाँ लगाया जाता है और किस सप्लाई पर लगाया जाता है। हमारे पास ये 200 का चेंज ओवर है और हमें दो लाइन की ज़रूरत है। जैसे हमारी ये हमारी सप्लाई ओवरहेड वाली है, जैसे सप्लाई अपनी ट्रांसफार्म की जो सप्लाई है इधर लगाएंगे, और एक हमारी सप्लाई जो डीजी से निकल के आई है वो हम इधर लगाएंगे। हम RYB के हिसाब से हम डीजी की सप्लाई इनपुट इधर से देंगे, और हमारी जो सप्लाई ट्रांसफार्मर द्वारा जो आ रही है हम उसको RYB के हिसाब से यहाँ भी लगाएंगे। ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, ये हमारे तीनों फेस हो गए, ये हमारे तीनों फेस हो गए, और जो इनपुट इधर से लेंगे दोनों साइड इनपुट, और जो आउटपुट हमारी जो सप्लाई निकलेगी हम बीच वाले पॉइंट से लेंगे। ए वाला ये बीच वाले पॉइंट है जो हम इनसे लेंगे। अगर हमें सप्लाई एसी सप्लाई ट्रांसफ़र द्वारा सप्लाई लेनी है तो हम ऊपर लगा देंगे, और जैसे सप्लाई हमको डी लाइट चली जाती है, अपनी लाइट चली जाती है तो हमें डीजी चालू करके हम सप्लाई डीजी की सप्लाई लेना चाहेंगे तो हम इस चेंज ओवर को इस तरह लगा देंगे। हमारी डीजी की सप्लाई हमारे प्लांट पे देना चाहे प्लांट पे या कैंप में देना चाहे कैंप में आप दे सकते हैं। दोस्तों, मैं कनेक्शन बता रहा हूँ कि हमारे कनेक्शन इस तरह हुए हैं। देखो, ये हमारी जो सप्लाई आई है वो ओवरहेड यानी कि हमारी ट्रांसफ़र द्वारा जो सप्लाई आई है हमने इधर लगाया है, और जो हमारी जो सप्लाई जो हमारे डीजी से सप्लाई आई है वो इधर है हमारी। ये हमारी जो आउटपुट निकल के गई है जो हमारे कैंप के लिए गई है ये सप्लाई इधर है। देखो, हम जब हम डीजी की सप्लाई लगाएंगे आपको चेंज ओवर नीचे की ओर करना है, जब हमें ट्रांसफ़र की सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी तो ऊपर लगा देंगे। इस तरह हमारी सप्लाई हमारे प्लांट और कैंप के लिए पहुंच जाती है। आप इस तरह चेंज ओवर लगा सकते हैं। जी, मैंने आपको पूरा कनेक्शन बता दिया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।